नमस्कार साथियों, स्वागत है पीजे वैकेंसी आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक राजस्थान की तरफ से, कह सकते हैं कि अभी खुशखबरी जो है निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेजेस में एक परमानेंट वैकेंसीज़ के रूप में स्टाफ नर्स और अदर जो है पोस्ट उन पे जो है स्वीकृति मिल चुकी है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कौन कौन से जो मेडिकल कॉलेजेज हैं जहाँ पर ये जो है परमिशन मिल चुकी है, कितनी क्या पोस्टें जो है नई मिलने वाली है, इसके अलावा स्टाफ नर्स की कितनी है, अलग अलग जो है कैटेगराइज कितनी पोस्टें रहने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही साथ अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल पर आपको पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर राजस्थान सरकार चिकित्सा शिक्षा ग्रुप फर्स्ट विभाग की तरफ से निदेशक राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, विषय जो रहेगा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जो राजमेस है मैं के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में नवीन पदों के सर्जन की स्वीकृति जो है मिल चुकी है। ये जो नोट्स है प्रेस नोट्स है जयपुर से निकला 29 अप्रैल 2022 को, यानी 2-3 दिन पहले का ही है। उपयुक्त विषयांतर्गत निर्देश लेख हैं कि राजमेस के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालय सिरोही, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर, यानी चार जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चिकित्सा महाविद्यालय हैं, सिरोही, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर, वहाँ पर जो है नवीन पदों की सृजन की स्वीकृति जो है प्रदान की जाती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की टोटल जो है यहाँ पर 3 पोस्ट, सिरोही में 2 और श्रीगंगानगर में 1 पोस्ट। उसके बाद नर्स ग्रेड फर्स्ट की जो है कोई भी पोस्ट यहाँ पर चार कह सकते हैं यहाँ पर सिरोही, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर, एक भी पोस्ट यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की नहीं है। उसके बाद नर्स ग्रेड सेकंड की बात करें, सिरोही में 85 पोस्ट रहने वाली है, धौलपुर में 37, चित्तौड़गढ़ में 25 और श्रीगंगानगर में 11, टोटल 158 पोस्ट जो है नर्स ग्रेड सेकंड की रहने वाली है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की बात करें तो एक एक पोस्ट चारों जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद मल्टी टास्क यानी MTS स्टाफ जो है वहाँ पर एक एक पोस्ट रहने वाली है। ये नर्सिंग की सारी पोस्ट है मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, फिजिशियन, डाइटिशियन वगैरह, यानी कह सकते हैं पूरी फैकल्टी जो है उसमें 396 पोस्ट रहने वाली है। और जो है जिसमें अलग अलग सिरोही में सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पोस्ट हैं 144 पोस्ट जो है सिरोही अकेले जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर है, बाकी जो है 95, 81, 76, टोटल 396 पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त प्रतिनियुक्त से भरे जाने वाले, यानी प्रतिनियुक्ति से जो भरे जाएंगे उनमें प्रोग्रामर जो है वो डेपुटेशन बेसिस पे लिए जाएंगे 4, सीनियर लीगल ऑफिसर भी एक एक लिया जाएगा, सभी में एक एक जो है ये सारी चीज़ें डेपुटेशन पे भरी जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन है वगैरह। और इसके अलावा जो निम्नलिखित पदों पर सेवाएं जॉब बेसिस पर वित्त विभाग के आदेश 30/4/2018 के अनुसार दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नीचे जो आर्टिस्ट, ड्राइवर वगैरह हैं इसमें अलग से जो है कैडर हो गए। उक्त चिकित्सा महाविद्यालय में नर्स ग्रेड फर्स्ट के अतिरिक्त जो भी सर्जित पद है वो सेकंड ग्रेड के पदों से भरे जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के बिना किसी पद के रखा गया एक बारी। और उक्त तालिका 2 में उल्लेखित पद प्रतिनियुक्ति से यानी कि डेपुटेशन पे भरे जाएंगे। इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इसमें जब जैसे भी फॉरम जो शुरू हो जाएंगे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जैसे ही फॉरम इसके शुरू होंगे हम सबसे पहले आपको बता देंगे। यह स्वीकृति वित्त विभाग की ID संख्या जो है 25/4/2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण से जारी की जाती है। ठीक है, नीचे यहाँ पर जो प्रतिलिपि भी भेजी गई है, तो जैसे ही इन सभी महाविद्यालयों के यहाँ पर जो भेजे गए हैं विभागों को भेजे गए हैं इनकी जैसे ही परमिशन आ जाएगी तो इसके फॉर्म जो है इन मेडिकल कॉलेजेस में भरे जाने शुरू हो जाएंगे स्टाफ के। तो जैसे ही शुरू होंगे हम सबसे पहले आपको बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। ये PDF और फॉर्म भरने के लिंक सारी चीज़ें आपको PJ लक्ष्य क्लासेज नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर जाए PJ लक्ष्य क्लासेज सर्च करके उसको ज्वाइन कर ले, या फिर PJ लक्ष्य क्लासेज टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों को वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।